सारी आगे बार कर दी सारी। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ ये हवेली के पेपर्स, इस खंडर हवेली के पेपर्स, और बनाओ जीत का जश्न। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उनका इस हवेली से रिश्ता है पिछले 25 सालों में, तो ये आज जितनी भी स्टोरी वाइज जितने कैरेक्टर्स हैं सबको पता चलेगा कि ये मेरी माँ है जिसको मैं मैम बोलता हूँ, और उसकी बैक स्टोरी अलग। बट आज ये रेवोल्यूशन था कि वो जो औरत है जिनको मैं माँ बोलता हूँ, जिनको मैं मैम बोलता हूँ, वो मेरी माँ है। सो दैट वॉज द होल सीन। सर जो आपने हवेली को देखे, आपके नाम कई फैक्ट्री हो गई, उस क्या कुछ है उसके पीछे? तो बेसिकली कुणाल गायत्री सिंह एक ऐसा आदमी है जिसने पिछले आगे चल के पता चला कई सालों से इन लोगों के ऊपर टैब रखा है कि क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं ऐसा है। तो उसके पास अभी भी हर एक चाल के बाद उसके पास एक और एक चाल ऑलरेडी रेडी होती है, और आज उसके पास एक और हुकुम का है कि हवेली तो तूने ले ली, हवेली तो मैंने फिर भी दे दी, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका जिनका पूरा कब्जा मेरे मेरे पास है, मैंने किया है। तो हर बार ऐसा लगता है कि उन लोग कहीं ना कहीं जीतते हैं, लेकिन उसके बाद जीत एंड में कुणाल की होती है। वो है अभी स्टोरी का प्ले आउट, बाकी देखते हैं कैसा होता है। सर अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले भी बताया था, और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स में स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, लोगों को स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है, एंड बेस्ट पार्ट इज हम एज एक्टर्स आल्सो पेसी जा रहे हैं। इट्स नाइस कि वो जब पेसी होते हैं तो ग्रिप पकड़ स्क्रीन टाइम बढ़ रहे हैं, तो आप सभी लोगों को बहुत पसंद है। सो थैंक यू सो मच, एंड सबको क्रेडिट जा रहा है इस बात का, हमारे राइटर्स दे रहे हैं, प्रोड्यूसर का बहुत इन्वॉल्व है, बाकी सभी एक्टर्स स्पेशली व्यूअर्स को पसंद आ रहे हैं, तो वी आर ऑल वेरी हैप्पी। ओके तो ठीक है।